विकास दुबे ने कहा था तो अच्छा लगता यार, भूल गया, इतनी देर बैठा ले रखा यार तुम लोगों ने, हमें लगा ऑडियंस नहीं सर इतना पावर नहीं देख लिया नहीं भाई यार, मेरी फट बहुत रही है सर बता। अच्छा मेरी फटती सिर्फ दो लोगों से, एक आपसे एक मेरे बाप से। नहीं आपसे क्या फटेगी नहीं सर जाना, वो जलील करते हैं ना बहुत, वो इस हमले का इसीलिए पैदा ही किया जलील करने के लिए। मेरा जब पहले का स्टैंड अप वीडियो बना था, मैंने कहा था, मैंने पापा देखो ये मैं गया था और ये वीडियो देख लो, ऐसे देखें, आधा वीडियो देखते बोले यार अभी साल 20-25 साल हो गए हम लोग को टॉयलेट बनवाए हुए। मैं कहा हाँ तो उसमें आगा करो ना स्टेज पे क्यों आते हो। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। और होता है कि उनको आदत सी हो गई बात काटने की, जलील करने की, बात काटने की। हम एक बार गए थे चश्मा बनाने, मुझे दूर का नहीं दिखता, ठीक है हाथ ऊपर करो तुम देखने सोफे में छेद मिले बात। हम लोग मेरा दूर का नहीं दिखता ना, हम लोग गया थे चश्मा लेने और तो मैं वहाँ गया और मुझसे कह रहे फ्रेम पसंद कर लो, तो मैंने कहा पापा आप पसंद कर लो बाद में कुछ कहो, तो कह रहे नहीं तुम पसंद करो यार, विशाल तुम्हें पहनना है तुम्हारी मर्जी तुम्हारी पसंद तुम बताओ। मैं कहा वो ठीक है, मैं देखने लगा, मैंने कहा ये वाला फ्रेम निकाल दूँ, मतलब नहीं सिंपल वाला निकालो। मैंने कहा जब पहना था तो पहले बोल देते, ये बाद में फिर ये क्या चोट, पापा देखेंगे गाली निकाल रही। ठीक है चलो ये छोड़ो यार गंदा हो रहा। बुजुर्गों की बात बताते हैं, मेरे पापा के पापा बुजुर्ग, उनके जो टोटके होते हैं जानते होंगे कि चप्पल उल्टी लड़ाई हो जाती है, खाली बाल्टी जो काम होने यार वो नहीं होगा, और कुछ होता है यार, लड़का लेटा उसके ऊपर निकल के हाइट छोटी हो जाती है, सुना होगा। तो मेरा भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था 2 महीने पहले, तो उन्होंने मुझसे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रात के 11:30 बजे पानी भरवाया, मेरे पास आए ए उठो पानी भर के लाओ। मैं उठा, मैं बिल्कुल पापा मैंने सुना था आप नशा नहीं करते, टाइम देखो क्या है कि जाओ पानी भर के लाओ। मैं किस लिए, कह रहे अरे जाओ भर के लाओ। मैंने कहा मोटर लगी भर लो, कह रहे नहीं शुद्ध वाला भर के लाओ नल से भर के लाओ। मैंने कहा इसमें कौन सा मक्के सोचते हैं भरने को, ये भी है ना, कह रहे नहीं शुद्ध वाला भर के लाओ। मैंने कहा हेलमा वाली साथ कंटारो लगा गई नल में, हम आज लाए भर के लाए। मैंने कहा अच्छा पापा बता दो तो किस लिए, कह रहे जाके कल सुबह जब तुम जाओ सब कुछ तुम्हें भरा भरा मिले। मेरा दिमाग खाली है, मेरी बुक में जंग लग गई थी, मैं पढ़ी नहीं क्या भरा मिल जाएगा। उसके बाद हुआ मैं, और देखो यार सबका होता है यार लेटरिन का अपना होता है टाइम होता है, देखो प्राकृतिक अलार्म है ये सबका बसता, आप लोग अभी होता होगा, मेरे 7 बजे लगती थी बस बात खत्म। मैं सुबह उठा मेरे पास आए, कह रहे कि जाओ ब्रश हो दो। मैं कहा नहीं लगी, कह रहे हो लो। मैं कहा नहीं लगी, कह रहे अरे हो लो मैं SSC का एग्जाम है वो, कह रहे हो लो क्या पता हो ही जाए। मैं कहा SSC का एग्जाम है वो क्या, मतलब क्या बताओ। अरे यार एटलीस्ट मतलब समझ में आ जाता है, ऐसा तो है ना मुझे कभी छूट जाती है कि बस में चल गया हाल है चल रहा, मतलब अचानक हाथ रखकर ये गीला गीला कर टट्टी छूट गई, ऐसा कुछ है नहीं पता चल जाता है यार। अलग ही उनके लगड़े चलते नहीं जाओ कल लोग हो जाए। फिर उसके बाद वो मेरे लिए इतनी मिठाइयाँ लाए, इतनी मिठाइयाँ लाए, मेरी बहनें नहीं लाई होंगी क्योंकि मेरी बहनें वैसे हैं नहीं, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाली नहीं बन जाती हैं, उनका भी रीज़न होता, फर्जी नहीं बनती हैं, ये होता कि नहीं रीज़न होता पैसा, क्यों मैम भाई आपका हाँ तो ठीक है पैसे के लिए बनती हूँ। अच्छा हमें भी 100-100 रुपये दो, हम भी सबसे राखी बनवा लेंगे, होता रीज़न होता सबका। तो मेरी बहनें ने वो मिट्टी मिठाइयाँ लाए, तो मैंने पूछा कि ये क्या है, कह रहे हैं कि मुँह मीठा करना। मैंने कहा मुँह मीठा करना मुझे नहीं, इतनी मिठाई क्या करूँगा, कह रहे नहीं खा लो। फिर कह रहे और खा लो, मैं थोड़ी ली मैंने मुँह मीठा कर लिया, कह रहे और खा लो। मैं कहा बस, कह रहे नहीं और खा लो। मैं कहा थोड़ी और खा ली भाई बस, कह रहे और खा लो। मैंने कहा टट्टी नहीं की मैंने इतनी ना, कह रास्ते में छूट गया। फिर मैं गया, मैं बाहर निकला, मैंने कहा अच्छा पापा ये चप्पल उल्टी होती तो लड़ाई क्यों होती, मतलब चप्पल उल्टी तो क्या होता है, कहते लड़ाई हो जाती है। मैं कहा ओ यही मैटर है, मंदिरों में तभी तो दंगे होते हैं, ये न्यूज़ वाले तो चूतिया बना रहे हैं हमें, जाओ जात पात ये सब बेकार है। नहीं मंदिर में दंगे हो गए, पाकिस्तान हो ये हिंदुस्तान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से CM पुलिस मतलब BSF सवार है हिंदुस्तान की, अरे पाकिस्तान दंगा रोक रहे हैं हिंदुस्तान वाले, अरे उनको छोड़ो चप्पलें सीधी करो, जिस जिन दो आदमी चप्पलें सीधी हो गई मैटर शांत उनका, यही सही था। ये अलग ही इनका लेवल चलता है कि ये वाला, और मुझे भी ऐसा लगता है कभी इनका फायदा भी होता कि हमने एक बार लड़ाई की थी, मतलब मेरे मॉडल से मेरी लड़ाई हो गई थी बड़ा, तो वो मैंने कहा ठीक है देखेंगे तुम्हें भी। 9 महीने बाद उसकी बीबी प्रेग्नेंट हो गई मेरी वजह से, उसके उनका अलग उनका कोई मैटर होगा नहीं ऐसा नहीं भाई छोटा तो उनकी हो गई, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर और एक दिन उसकी उनके सुबह एम्बुलेंस आई, मैंने देखा, मैंने कहा मिल गया मौका,
मैंने कहा ठीक है, वो उनकी एम्बुलेंस मतलब उसका पति आया वही जिससे लड़ाई हुई थी, अपनी बीबी का एम्बुलेंस बैठा ला, मैं अंदर गया, मैं अंदर गया, खाली बाल्टी एम्बुलेंस के सामने रख दी, मतलब जो काम होने जा रहा वो नहीं होगा, तो मैंने खाली बाल्टी लाई एम्बुलेंस के सामने रख दी, चप्पल भी उल्टी कर दी, छींक भी दिया उसके पीछे वाला छेद बड़ा हो गया, मतलब उसकी खड़ी थी तरीके से, कह रहा कि यार अब क्या बच्चा ले जाओ, बच्चा नहीं होगा यार, देखो इतने टोटके कर दिए। मैंने सोच लिया कि यार इन सब के बाद अगर यार जो पैदा हो गया फिर वो इंसान तो नहीं होगा, ये लेना होगा, वो मेरे पास आ गया, कह रहा भाई कुछ बताओ, मैंने क्या अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करो, उससे क्या भारत में यही चल रहा, और होता है फिर बोलिए और तो दोस्त कुछ और कानपुर के होते ना टप्पेबाज दोस्त, टप्पेबाजी सुनी होगी आपको, तो करते भी शक्ल देखते होते हैं इसे, तो हमारा था तो उसको मैंने एक बार पैसे दिए, और पैसे रिश्तेदार और दोस्त को कभी पैसे ना दो, क्योंकि वो रिश्तेदारी टूट जाती है और दोस्ती भी टूट जाती है, पैसे मिलने से। तो मैंने दिया, मैंने पैसे दिए, वो आए मगर भाई पैसे दे दे बहुत ज़रूरत है भाई पैसे दे दे, मैं कहा चल ले जा, और मैंने उसको पैसे दिए, कह रहा भाई कल लौटा दूंगा, मैं कहा ठीक है, तीन महीने गुजर के पता नहीं चला कब, चौथे महीने मैंने गच करना चालू कि मैं भाई पैसे पैसे पैसे, एक बार तो ऐसा हुआ मैंने कहा भाई पैसे दे दे, उसने ना जलील किया, उसने कहा क्या यार विशाल जब तू पैसे पैसे मांगता रहता है यार तेरे पास कोई काम नहीं यार, चार लोगों के बीच में खड़ा रहता है तो पैसे मांग लेता है यार, मुझे गिल्टी भी लो, मैं कहा यार सॉरी यार मैं कहा नहीं मांगूंगा, तो मैं एक मिनट माखन चोर, मैं गाली नहीं देता, माखन चोर मेरे पैसे तू हंस दो। कहीं ना ताली जब वीडियो ना भी बाप देखे बहुत मारेगा फोन कभी उसका हुआ तो। और इनको टप्पेबाजी बिजनेस होता है, और इनका बिजनेस मैंने भी सीखा था, काफ़ी अच्छा था। एक दोस्त आया खराब कि मैंने कहा यार सेकंड हैंड फ़ोन नहीं है कुछ दिला दो यार किसी दूसरे, कह रहा मेरा ले लो फ़ोन मैं कहा क्या मतलब कितने का, कह रहा 8,000 का, मैंने कहा ऐसी क्या क्वालिटी, कह रहा भाई क्वालिटी देख, कह रहा तू इसमें 300 से ज़्यादा गेम डाउनलोड कर सकता, मैं क्या ओ बढ़िया यार, मैं ले लिया, मैंने उसमें 10-12 गेम डाउनलोड किया, उसकी स्क्रीन उड़ गई, मैं उसके बाद क्या मैं क्या यार इसकी स्क्रीन उड़ गई इसमें ये क्या है, कह रहा भाई सब एक साथ कर लिए थे क्या, मैंने कहा मतलब क्या था तेरा, कह रहा एक डाउनलोड करके एक डिलीट करना था फिर दूसरा डाउनलोड करना था यार गोली दे दी, फिर मैं मतलब अंदर से आवाज़ आई मेरी कि चूतिया हो गया कोई कोर्स किया, अपने आप से कह रहा था मैं, अब मुझे लग रहा कोर्स किया था क्योंकि मैं चूतिया बन गया। उसके बाद एक बार ऐसे हुआ उसका भी क्या था यार भूल गया यार, बहुत देर बैठा लेते यार और आ जा भाई मुजरा चल रहा, अरे आ जा भाई आज इतना मना रहे यार, अरे यार भूल गया यार, टप्पेबाजी की बात थी तो उसने मेरी बिजनेस सिखाया, हाँ बिजनेस की बात थी तो उसने मुझे बिजनेस सिखाया, तो मैंने उससे कहा, और मैंने सीखा लाइक कि आपको फोन से पैसे कमाने नहीं, कमाने कमा नहीं पाओगे, आपको कमाने बेरोजगार हो क्या जीवन का, किसी कमाने हाँ फोन भेज दो सिंपल, घर से पैसे कमाने हमने कहा तो मैंने घर से पैसे, मैं कहा यार ऐसा था कुछ बैठे बैठे पैसे आए, कह रहा ठीक कल सुबह से आने लगेंगे, मैं कहा ठीक है, रात में कस्टमर आया कह रहा भाई 8,000 एक राउंड क्या, कह रहा 8,000 मैं बाहर गया उसने मेरे घर के सामने लिया कोठा, मैंने कहा यार अपना बिजनेस अपनी तरफ ले जाओ यार मेरे बस का नहीं है, चलो थैंक यू।